तो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ काबोडीरामा का बेस्ट स्पॉट। नाउ ओके, तो काबोडीरामा का ऐसा सीन है कि इसको यहाँ के सुंदा डायनेस्टी के किसी रूलर ने बनवाया था, और उसके बाद पोर्टुगीज़ ने जब इन्वेट किया इसको तो उन्होंने इसको अपना वन ऑफ द मिलिट्री बेस बना लिया। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंदू टच भी मिलेगा डिज़ाइन में और पोर्टुगीज़ टच भी मिलेगा। ये इसका ब्रीफ हिस्ट्री है। और ये जो फोर्ट है ये दो बीचों के सेंटर में बना हुआ है, अगोंडा बीच और कवलेसम बीच करके कोई एक एरिया है, तो इन दो बीच के सेंटर में बना हुआ है। अभी इतना ही पता चला और बाकी जो डिज़ाइन वगैरह है करीब से जब जाएंगे तो आपको दिखाते हैं। चलो बाय बाय कैट, बाय बाय। हाँ, सो गाइस फाइनली अराइव्ड इन काबोडीरामा फोर्ट। अभी फोर्ट अंदर से एक्सप्लोर कर रहे हैं। फोर्ट में ऐसा कोई टिकट विकट नहीं लगेगा आपको, फ्री एंट्री है, अब जब मन आइए। टाइमिंग इसका सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक, वही सनराइज से सनसेट मतलब नॉर्मली जो रहता है। फोर्ट है बहुत सुंदर, देख लीजिए ये सब जो डिज़ाइन है, मतलब कितना सुंदर डिज़ाइन है। ये पूरा पुराने ज़माने के जो तोप होते थे, ये सील क्यों है? ये सब में तो भरने का बारूद होना चाहिए था। यहाँ से आप देखिए, ये पूरा ऐसा तोप रख के इधर से कोई अगर एंट्रेंस करेगा, ये एंट्री है, तो यहाँ से अगर कोई एंट्रेंस करेगा तो उसको उड़ा देंगे सीधा तोप से, बूम। इधर भी एक है आई गेस, ये भी एक एरिया होगा, मतलब ये पूरा सिक्योर जोन जैसा होगा, चार चार एरिया में चार तोप चार दिशाओं से कवर करने के लिए, ताकि एंट्रेंस से कोई एंट्रेंस ना कर पाए। है बहुत अच्छा, हवा भी आ रही ठंडी ठंडी। इधर से ऐसा, इधर समुंदर है, दिस वे इधर है समुंदर, ये इधर ऐसा पूरा वाल बना हुआ है लाइन से ऐसा। इधर बीच में वो जो पोर्तुगीज आए थे ना, तो ये चर्च बनवा दिया था उन्होंने, ठीक है, ये हिंदू ने नहीं बनवाया था, जो सुंता डायनेस्टी करके मैं बोला था ना आपको, उन्होंने नहीं बनवाया। पोर्तुगीज जब इन्वेड करवाए तभी उन्होंने ये चर्च बना दिया। गोवा घूमने के लिए मेरे को लगता है साउथ गोवा ही सबसे बेस्ट है आमतौर पे, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा साउथ गोवा। यहाँ पे सेफ़ भी है, गाड़ी आपका अगर चाबी
गाड़ी में ही छूट जाए ना तो भी गाड़ी को कोई कुछ नहीं करता है। फोर्ट फोर्ट का पूरा ये एंडिंग ऐसा, इधर से ऐसा करके उन्होंने बनाया हुआ है, उधर से ऐसा, पूरा ये जो पूरा जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ से पूरा साइड करके वाल बना दिया है। और क्या, फोर्ट तो ऐसे ही होता है ब्रो, मतलब सिक्योरिटी के लिए। तो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ काबोडीरामा का बेस्ट स्पॉट। देयर इट गोज। भाई क्या नज़ारा है, मतलब यहाँ आप खड़े रहो, ये और ये, इसमें गिर ना जाऊँ। अब देखो पीछे ये जो नज़ारा है, अरे हाय, देखते ही बनता है, बहुत सुंदर यार, बहुत सुंदर। दो जगह मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि पालोलेम बीच सब बोलते हैं, लेकिन पालोलेम बीच से ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा पाटने बीच, जहाँ अभी मैं रुका हुआ हूँ, उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद काबोडीरामा फोर्ट को सब उतना कोई हाइप नहीं था, लेकिन जब मैं आया तो मेरे को लग रहा है कि यार है, मतलब साउथ गोवा में आने के बाद ना अगर टॉप फाइव मस्ट विजिट जगह बताऊँ तो मेरे हिसाब से फर्स्ट तो है कोला बीच। जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत मज़ा आएगा जब आप वो थोड़ा, जैसे आप अभी तो हम लोग गर्मी में आए हैं तो बहुत गर्मी था दोपहर में, तो हम लोग पहुँचे थे वही 11-12 के आसपास। तो जैसे ही वो, अभी समुंदर में ना नहाने में नहीं बनता है, क्योंकि समुंदर में खारा खारा पानी और वो उतना मज़ा नहीं आता। समुंदर का भी पानी का अलग मज़ा है, लेकिन जब आप समुंदर का पानी जो बैक वाटर होकर के जब वो मीठा हो जाता है ना, और उसमें नहाते हैं, और पूरा लगून में आप ऐसे बैठिए, और उतना गहरा भी नहीं है और वो ब्रीज भी नहीं, क्योंकि वो ऐसा तालाब जैसा बन जाता है, वहाँ पे नहाने में जो मज़ा आया है और जो कायकिंग करने में मज़ा आया ना, कोला बीच रैंक वन। सबसे पहले आइए कोला बीच घूमिए। रुकने के लिए आप रुक सकते हैं पालोलेम या पाटने को, आप अपना एक कोई हब बना सकते हैं, सेंटर हब, और वहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ फिलहाल अभी। तो वहाँ पे आपको सस्ता भी मिल जाएगा, मतलब 1200-1300 के रेंज के हिसाब से स्टार्टिंग में आपको booking.com और बहुत सारे वेबसाइट हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा AC, वाईफाई और पूरा बीच शेक वाला बीच हट, बेस्ट है। और इससे अच्छा क्या चाहिए आपको, है ना। और क्या था, पहला था कोला बीच, दूसरा मेरे को लग रहा है काबोडीरामा, तीसरा आप पालोलेम बीच से बोट करिए, और बोट करके आप जाइए, वो लोग 4 स्पॉट कवर करते हैं, हनीमून बीच, बटरफ्लाई बीच, और कोई 2 स्पॉट और है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जब मैं जाऊँगा कल तब आपको बताऊँगा। तो ये हो गया 3 स्पॉट, और चौथा हो गया पाटनम बीच खुद अपने आप में। आप सुबह 5 बजे सनराइज़ के टाइम पे उठिए, और पाटनम बीच पर जब आप खड़े रहोगे ना, तब आपको पता चलेगा क्या जगह है भाई। चलिए थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से एक स्पॉट है नीचे जाने का, दिखाता हूँ, पेबल बीच करके नाम है, अपने आपने सुना है कि नहीं, वो तो ठीक है, बट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये इतना गंदगी क्यों यार, हम लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तो चल ही सकते हैं ना, हमेशा इतना गंदा करना तो ज़रूरी नहीं है। अब देखो कचरा डब्बा भर गया है, ये यहाँ से एक स्पॉट है पेबल बीच का, यहाँ से ऐसे करके इधर से नीचे जाने का, उससे अभी जाएंगे। सो गाइस, ये पीछे पेबल बीच है, और इसके जाने का जो रास्ता है ना, ये ऐसे काबोडीरामा फोर्ट से आप ऐसे आएंगे, ये गेट है छोटा सा, यहाँ से ऐसा करके भाई साहब, ये पीछे पूरा बीच, ओए होए, ये जो नज़ारा है ना, ये तो भाई क्या जगह है यार, ये तो मतलब काबोडीरामा फोर्ट में तो हिडन प्लेसेस हैं। अगर आपको फ़ोटो वोटो खिंचाना हो तो यहाँ से जाइए नीचे ऐसा, और एक नंबर, तो थोड़ा संभल के, नहीं तो एक नंबर से सीधा अस्पताल जाना पड़ेगा। ये नीचे बीच बहुत बेहतरीन वाला,
नीचे पूरा बीच है ऐसे करके, और वो उधर पूरा समुंदर, फिर ये पहाड़, और ये इधर का, इधर से फोर्ट का पूरा वाल चालू होता है ऐसा, और ये इधर से ये आने का, ये पूरा सीढ़ी ऐसा करके। ये देखो फिर गंदगी, हम ही लोग अपना देश बर्बाद कर रहे हैं, खैर जाने दो। ये ऐसा करके नीचे जाइए, पत्थर में फ़ोटो खिंचाइए, इंस्टाग्राम में माहौल बनाइए, क्रांति ले आइए एकदम, इंस्टाग्राम क्रांति लाने वाला जगह। हैशटैग काबोडीरामा जो है वह इंस्टाग्राम क्रांति प्लेस, इंस्टाग्राम में क्रांति लाना है, काबोडीरामा आइए, आग लगा दीजिए आग। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं नज़ारा और करीब से। संभल के आइए आप लोग, थोड़ा डेंजर रास्ता है। ओ बाबा रे, हाँ नज़ारे के करीब पहुँचते हुए सच यही फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि यहाँ लोग कम आते हैं, अभी जहाँ लोग कम है वहीं पे नेचर का ब्यूटी उतना निखर के आता है, यही प्रॉब्लम है। अभी जहाँ जहाँ इंसान पहुँच रहे ना, पहले बागा गैलंगड़ भी बहुत फेमस था और इतना ही सुंदर था, साफ था, बट अभी क्या कर सकते हैं, आबादी बढ़ भी तो रहा है, 150 करोड़ हो गए हैं, अगले साल पता नहीं और कितने बढ़ जाएंगे। ठीक है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रोल में एटलीस्ट इधर है कि हम थोड़ा गंदगी कम कर सकते हैं। अब देखो ये प्लेस इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर है, लेकिन जहाँ जहाँ भी इंसान का नाम निशान है वहाँ गंदगी, तो यही प्रॉब्लम है। बाकी प्लेस है इतना सुंदर, देखो तो यहाँ पे आके ऊपर से, ये ऊपर से चढ़ते हुए आए और ऐसा, अगर आप जब यहाँ बैठोगे तो सिर्फ समुंदर की आवाज़ और ये हवा सुनोगे तो आपको सुकून, जो बोलते हैं ना हॉलीडे आदमी क्यों करता है, हॉलीडे आदमी क्यों करता है, सुकून के लिए तो करता है, तो वो आपको मिलेगा यहाँ सीधा इधर। बोलते हैं ना कि दुनिया में कहीं जन्नत है, वो कश्मीर में होगा भाई, मैं तो गया नहीं, बट मेरे लिए यहाँ भी है, मेरे को यहाँ भी मिलेगा। और अगर आप भी यहाँ आके सुकून से बैठेंगे ना 5 मिनट, तो आपको भी मिल ही जाएगा। तो गाइस फाइनली मेड इट टू द लास्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ सी फ्रॉम पेबल बीच। अभी आप काबोडीरामा से जो पेबल बीच के लिए नीचे आएंगे, बेसिकली जो काबोडीरामा फोर्ट जिस पे बना है, नीचे वाली जो बीच है उसका नाम पेबल बीच रखा गया। अभी वहाँ मैं बैठा हूँ, अब देखो मेरे आसपास क्या है, लोग वहाँ से चढ़ के आ रहे हैं, सॉरी उतर के आ रहे हैं, और ये ऐसा ऐसा पीछे इतना सुंदर सुंदर जगह है, ये पहाड़, सुंदर पेड़, ये बोट दिख रहा है आपको। तो अगर आप जैसे नहीं आना चाहते, पानी के रास्ते आना चाहते हैं, तो पालोलेम और वहाँ से शायद बोटिंग भी चलती है, तो आप बोट से भी आ सकते हैं। तो मेरा जो फ़ोटो है वो हमेशा बहुत ख़राब आता है, तो अगर मेरा फ़ोटो किसी जगह पे अच्छा आया है ना, तो मान के चलिए वो जगह हैशटैग इंस्टाग्राम क्रांति लोकेशन गोवा, आने का फ़ोटो खिंचाने का। एक बार सफ़र का कीड़ा काट ले तो उसका एंटीडोट सारी दुनिया घूमने के बाद भी नहीं मिलता।